उपाध्यक्ष महोदय, जनता दल की सरकार आने के बाद यह पहला बजट है जिसने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। स्टॉप। यह बजट लोगों की आशाओं के प्रतिकूल है और इसमें खास तौर से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, पूंजीपतियों का तबका है, वह इस बजट से खुश है। पैरा, जहाँ तक दैनिक उपयोग की चीज़ों का सवाल है, उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई है। आदमी की जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वे भी उनको सुलभ नहीं हो रही है। स्टॉप। आज के ज़माने में ये मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हो गई है। इनमें से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके दाम न बढ़े हों। स्टॉप। इस बजट में वित्त मंत्री जी ने मध्यम वर्ग को इस प्रकार दबोचा है कि आज शहर और गांव में रहने वाला आदमी तड़प रहा है। पैरा, मान्यवर, हमारे जो छात्र हैं उनको इस पर सरकार से बड़ी आशा थी। वे भी इस बजट को देखकर बड़े निराश हुए हैं। स्टॉप। आज स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भारी कठिनाई में हैं। उसे यदि होटल में रोटी खानी हो तो वह भी महंगी हो गई है। स्टॉप। बेरोजगार छात्र यदि अपनी नौकरी के लिए कहीं पत्र डालेगा तो वह भी महंगा हो गया है। स्टॉप। जो छात्र शहरों में बसों में सफ़र करते हैं या निजी वाहनों से सफ़र करते हैं, उनको भी पेट्रोल के दाम बढ़ने से अधिक बोझ उठाना पड़ेगा। स्टॉप। पैरा, श्रीमन, एक बात हमारे वित्त मंत्री जी ने कही है कि वह 6 महीने के बाद घाटे की समीक्षा संसद में पेश करेंगे, लेकिन मुझे उनकी नीयत पर शक हो रहा है। स्टॉप। समीक्षा के नाम पर या बजट घाटे की स्थिति संसद में बताने के नाम पर वह 6 मास में ही दूसरा बजट न ले आए और दोबारा इस गरीब और मध्यम वर्ग पर कर न लगा दें। स्टॉप। देश की जो दयनीय आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए इस बात की सहज कल्पना की जा सकती है। स्टॉप। पैरा, महोदय, वित्त मंत्री जी ने भुगतान संतुलन की बात भी कही है। स्टॉप। भुगतान संतुलन की यदि आप देखें तो वह गंभीर चिंता का विषय है। उसके लिए पहली सरकार ने भी प्रयास किया था, लेकिन वह घाटा ठीक नहीं हो सका, इसलिए निर्यात को सरकार बढ़ाएं ताकि वह घाटा पूरा हो सके। स्टॉप। हमारे देश से बहुत सी चीज़ों का निर्यात विदेशों को किया जा सकता है। पैरा,